दोस्तों आईपीएल साल 2022 में आरसीबी की टीम एक नए कप्तान और एक नए हेड कोच के साथ में जाने वाली है। हेड कोच का अनाउंसमेंट हो चुकी है जहां पे संजय बांगर को आरसीबी की टीम का नया हेड कोच चुना गया है, लेकिन दोस्तों अभी कप्तान चुनना बाकी है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हेड कोच बनने के बाद संजय बांगर ने क्या क्या डिसीजन लिए हैं, किस स्ट्रेटेजी के साथ में आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन में जाएगी, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों आप लोग देखिएगा बिल्कुल लास्ट तक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं फैंटेसी ऐप माय इलेवन सर्कल के बारे में। यार दोस्तों मैं पर्सनली खुद अपनी ऐसी टीम बनाता हूं और कल दोस्तों इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के सेमीफाइनल मुकाबले में मैंने दोस्तों इस पे 6000 रुपए जीते हैं। और इस टी20 वर्ल्ड कप दोस्तों माय इलेवन सर्कल पे शानदार ऑफर चल रहा है जहां पे अगर आप वीवीएस लक्ष्मण को हेड टू हेड में हरा देते हो तो आपको डबल कैश प्राइज मिलेगा। और अभी दोस्तों माय इलेवन सर्कल पे आप लोग 10000 रुपए बिल्कुल फ्री में जीत सकते हो। जी हाँ दोस्तों 10000 रुपए बिल्कुल फ्री, कैसे जीते हैं ये मैं आप सभी को इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो को आप लोग एंड तक देखिएगा। और अगर दोस्तों आप इस ऐप को नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट वाले लिंक से डाउनलोड करते हो तो आपको 20% एक्स्ट्रा कैश आपकी पहली डिपॉजिट पर मिलेगा, तो अभी दोस्तों डाउनलोड कीजिए। दोस्तों टी20 वर्ल्ड कप 2021 समाप्त होने के बाद अब बीसीसीआई आईपीएल 2022 की तैयारी में लग चुकी है, कैसा मेगा ऑक्शन करना है और कौन सी तारीख को मेगा ऑक्शन होगा, इस तैयारी में बीसीसीआई लग चुकी है। और मेगा ऑक्शन से पहले जो सभी 8 टीमें हैं उनको अपनी रिटेंशन लिस्ट जारी करनी है और जो बाकी 2 नई टीमें आई है उनको दोस्तों 3-3 खिलाड़ी डायरेक्ट अपनी टीम में लेने हैं, तो काफी ज्यादा मेगा ऑक्शन से पहले चल रही है। अब दोस्तों हम बात करें आरसीबी की टीम की। आरसीबी की टीम ने नए हेड कोच संजय बांगर को अपॉइंट किया और हम सभी को साल 2022 में संजय बांगर ऐसा हेड कोच के रोल में दिखाई देंगे। संजय बांगर का दोस्तों ऐसा मानना है कि आरसीबी की टीम बड़े बड़े खिलाड़ियों पे ज्यादा डिपेंड रहती है। विराट कोहली, एबी डिविलियर्स और साल 2021 में ग्लेन मैक्सवेल पे काफी ज्यादा डिपेंड रही थी, लेकिन दोस्तों संजय बांगर जो है वो मेगा ऑक्शन में ऐसे खिलाड़ी को लेंगे जो कि दोस्तों एज अ ग्रुप अच्छा परफॉर्म करे। यानी कि अगले साल ऐसा नहीं होना चाहिए कि आरसीबी की टीम एक बार फिर एक या दो खिलाड़ियों पे ज्यादा डिपेंड हो जाए। और दोस्तों हम सभी ने आईपीएल 2021 में देखा जो टीम फाइनल्स में पहुंची थी उन्होंने एज ए टीम अच्छा परफॉर्म किया और आरसीबी की टीम ग्लेन मैक्सवेल पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट थी और सेमीफाइनल मुकाबले में ग्लेन मैक्सवेल नहीं चले जिसके बाद आरसीबी की टीम वहां एलिमिनेट हो गई। लेकिन अगले साल दोस्तों आरसीबी के हेड कोच संजय बांगर आरसीबी का स्क्वाड कुछ इस तरीके से चुनेंगे जहां पे हम सभी को बड़े नाम कम और एज ए टीम आरसीबी की टीम बेहतर नजर आए। इसके अलावा दोस्तों साल 2022 के लिए आरसीबी की टीम को एक नए कप्तान की जरूरत भी है और अगर आरसीबी की टीम जिन 4 खिलाड़ियों को रिटेन करेगी उनमें से अगर आरसीबी को कोई कप्तान नहीं बनाना है तो आरसीबी की टीम मेगा ऑक्शन में किसी एक खिलाड़ी को एज ए कैप्टन बना के टारगेट करेगी। वैसे आप लोगों को दोस्तों क्या लगता है आरसीबी की टीम का अगला कप्तान कौन होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर बताना और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों जरूर करना। और माय इलेवन सर्कल पे दोस्तों आपको 10000 रुपए बिल्कुल फ्री मिलने वाले हैं, आपको सिर्फ अपनी फैंटेसी टीम बनानी है और पार्टिसिपेट करना है। दोस्तों फिर लकी विनर्स को 10000 रुपए माय इलेवन सर्कल पे मिलने वाले हैं, तो लिंक दोस्तों आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिलेगा। आप लोग आज के मुकाबले के लिए अपनी फैंटेसी टीम बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है, कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें।